हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू लक्ष्मी। अच्छा मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, वो तो दोनों के लिए करो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी दोनों को। थैंक यू सो मच। भाभी दिख तो नहीं रहा ना पक्का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा। अरे हाँ लक्ष्मी, किसे बुला रहे हो? कौन है? सच बोल रही है ना, तुमने देखा है ना, पक्का वही लड़की है ना, कंफर्म्ड हो ना? भैया मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप खुद से सोचो ना, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के? मेरी भाभी है वो, उनके बारे में ऐसी कुछ बोलूंगी क्या मैं? पता है वो एक साल से मेरे साथ हैं, ऑफिस में भी हम साथ काम करते हैं। वो बात मैं मान रही हूँ, दावे करे उन्होंने। मेरे पास सारी फोटोज है, ये देखो ये देखो। नहीं मैं इस पे यकीन नहीं करता, एडिटिंग भी तो हो सकती है, एडिटिंग का जमाना है, जनरेशन न्यू है। रवि मेरी बात सुनो, बैठो एक मिनट बैठो। कितने साल से जानते हो तुम उसको? एक साल से। इनकी भाभी बनी है 2 साल पहले मेरे भाई, एनिवर्सरी है उसकी। 5 साल का रिलेशन हो गया मेरे भैया का उनके साथ। इतने प्यार में अंधे मत बनो कि तुम अपना जो सच है सच को झूठ समझो। भाई मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ है। दोनों साथ काम करते हैं मेरे भाई, तुम वो प्यार के दावे करती है मुझसे। मैटर नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे इसकी भाभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मेरे भाई, वो शादीशुदा है ऑलरेडी, ये तो देखो ना तुम। कैसे मान लूं, ये झूठ भी तो बोल सकती है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, फोटोज है भैया मेरे पास, ये देखो, ये यही है वो। मैं नहीं करता ना इस पे की एडिटिंग है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप खुद से सोचो ना। प्रिया नाम है इनका, मेरी भाभी है ये, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या मिलेगा? एक चीज बताओ मुझे, अभी एक चीज बताओ, आप जो कह रहे हो सच में वो लड़की प्रिया और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक है? भैया मैं प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है आप लोग शांत रहो, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देख भाई मेरा भाई, अगर तू तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी ना वो, मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तेरा फेस मैं हाइड कर दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ रवि बैठा हुआ है और ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी आज केक लेके आई क्योंकि इसकी भाभी का एनिवर्सरी है, वही भाभी इसकी गर्लफ्रेंड है जो 1 महीने बाद शादी करने वाला है। हिल गए ना, बात सही है, क्योंकि ये लड़का जो लड़के लड़की से शादी करने वाला है वो इसकी ऑलरेडी 2 साल पहले शादी हो चुकी है और इसकी भाभी है वो। अब कहाँ पे सच है कहाँ पे झूठ है मुझे नहीं मालूम, एक बार पूरी बात हम पहले रवि से जानेंगे। रवि कैसे मिला प्रिया को, कैसे जानते हो, कितने दिन से जानते हो और उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँच चुका है, ए टू जेड बताओ। हम दोनों ऑफिस में मिले थे, ऑफिस में हमने इतना अच्छा रिलेशन है हमारा, 1 साल का इतना बढ़िया रिलेशन है, किसी का होगा नहीं। और क्या कहते हैं, हम दोनों एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, रात का डिनर एक साथ करते हैं। देखो जैसा कि इसने बताया कि तेरी भाभी मतलब तेरी होने वाली बीबी और इसकी भाभी एक है, तुम्हें आज से 1 साल तक में कभी भनक नहीं हुआ कि तुम्हारी जो होने वाली बीबी है वो किसी की बीबी है? नहीं, आज कभी तक नहीं, आज तक होनी नहीं थी। कभी सिंदूर लगा के नहीं आई? नहीं, कभी मंगलसूत्र लगा के नहीं आई? या तो ऑफिस में आते वक्त हटा हटा लेती हूं, मैं बताती हूं। वो जब घर आई है कई बार तो मतलब मैक्सिमम वो अपना सिंदूर उंदर जैसे जाती थी वैसे ही आती थी। एक दो बार ऐसे चांसेस हुए हैं कि पहन के कुछ गई थी और पहन के कुछ आई है वो, तो उस चीज़ के लिए फिर वो कहती थी कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती हूँ, एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, कभी गंदे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये चीज़ें तो मैं समझ चुका हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ आप भाई साहब, साहब कैसे मिले? एक्चुअली मेरे पास ना भाभी सो रही थी, एक दिन मैंने उनका फ़ोन मांगा था किसी रीज़न से, मेरे फ़ोन की ना डिस्प्ले चली गई थी तो उनका फ़ोन मैंने मांगा, तो उनकी ना चैट्स वगैरह मैंने पढ़ ली। आप लोग फेसबुक पे बातें करते हो है ना, फेसबुक वगैरह पे इनका मैसेज आया, मैंने पूरी ऊपर तक की चैट्स वगैरह पढ़ ली उनकी, जो भी चैट्स थी मैंने सारी पढ़ी, मैंने इनसे कांटेक्ट करा, इसके बाद मैंने उनसे नंबर मांगा, इनका नंबर मांग के मैंने उनसे बात करी। आपके गली में आसपास ये कभी दिखा? मैंने नहीं, मैं इनको जानती नहीं हूँ। चलो एक चीज बताओ मुझे, आज जो केक लेके आए हो, आज सच में एनिवर्सरी आपकी भाभी, आज मेरी भैया भाभी की दोनों की एनिवर्सरी है। 2 साल कम्प्लीट हो गए, 2 साल कम्प्लीट हो गए। और आपने जैसा कि बताया था कि शादी में आपने हेल्प किया था एक टाइम पे, पता है क्या, मेरी फैमिली वाले थोड़े वैसे हैं कि नहीं अरेंज मैरिज अलाउड होता है हमारे घर में ना, लव मैरिज नहीं होता है, नहीं होता है अरेंज मैरिज अलाउड। हाँ तो फिर मैंने सपोर्ट करा अपने भाई को कि हाँ भैया की शादी करा दो ये वो, तो भैया का भी था, भैया पहले जॉब वगैरह नहीं करते थे, अब जॉब वगैरह भी करने लगे। लेकिन 5 साल से मेरी भाभी है उनके साथ, 3 साल इनों का वैसा रिलेशन है, 2 साल पहले इनको शादी हुई है, 5 साल से हैं। आपका तो 1 साल आपका बता रहे हो ना, मेरी भाभी 5 साल से उनके साथ है। कुछ नहीं होता, मैं वो नहीं कह रही भैया, मेरा कॉल करने का मतलब नहीं है, मैं करो और यहां मैं बुला लेती हूँ, आप लोग मत रहना, बस होगा सारी चीज़। देख भाई रवि, अगर तेरी सच में वो गर्लफ्रेंड है ना, तेरे साथ इंसाफ होगा, टेंशन मत ले, उनको कॉल करने दो, लाउड स्पीकर ऑन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो हेलो, हाँ जी भाभी, कहाँ हो आप? घर पर है। तो कहाँ है? तुझे पता था ना मेरे स्कूल जाना है आज। भैया वो मैं को पता है, मैं ये कह रही थी एक ना सरप्राइज प्लान करा है मैंने आप दोनों के लिए, एक बार पार्क आ जाओ प्लीज। अरे तो बट मैंने तेरे को बोला था ना हमें पहले वहाँ जाना है, पहले नहीं मैं पूरी मैं तैयार होकर आई हूँ, पता है आपको, पूरी रेडी हूँ मैं, आप यहीं पर आ जाओ, यहीं से निकल लेंगे हम लोग ना सारे साथ। ठीक है, हम आते हैं, बट आना किधर है, कौन से ये जो अपने घर के पास वाला पार्क है ना, ठीक है उसी में आ जाओ, जल्दी आना है। ठीक है, सुनाई दे रहा है भाई, ये असलियत है, देखो बर्दाश्त करो, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड वही है जो इसकी भाभी है तो उसका भी हिसाब होगा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप जाओ यहाँ से। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी ना, मुझे क्या मिलेगा झूठ? बाकी सारी चीजें दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखो इस चीज को अपने भाभी का जो गुनाहगार है वो यहाँ पे साबित कर दो, क्योंकि इस लड़के की जिंदगी खराब। बिल्कुल भैया मेरे को पता है, मेरी भाभी मेरे भाई की भी तो खराब कर रही है ना, ये भी तो देखो उनका तो शादीशुदा पूरा शादी करवाई इतनी मुश्किल से, घर वाले कभी जिंदगी में मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई लड़की, मैंने गारंटी ली थी अपनी भाभी की कि हाँ इतनी अच्छी है। तो जो भी चीज़ है ना, तुम्हारी भाभी कैसी है वो पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, हम इंतजार करेंगे प्रिया का। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू लक्ष्मी। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी आप दोनों का। अच्छा चलो कोई नहीं, बैठो बैठो यार, क्या हुआ बताओ, एकदम से क्यों बुलाया? मैंने सरप्राइज प्लान करा है आप दोनों के लिए और मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ ना। हाँ। ओ थैंक यू सो मच, हमारे लिए। पर ना एक कंडीशन है भैया के लिए। क्या हुआ भाई? आप प्रपोज करो मेरे सामने भाभी को। क्या यार, मतलब अभी दो साल हो गए हैं। मेरे को पिक्स करनी है ना, यही चीज बची है अभी। यार कर लो ना प्लीज, क्या शर्मा रहे हो, तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ। आपको पहले तो लग ही रहा था कुछ ऐसा लेके आएगी, इसलिए मैं उस टाइम पूछ रहा था। अरे मेरे को नहीं पता सरप्राइज है, तो प्रपोज करो भाभी को। चल अब तू इतना कह रही है, मैं कर देता हूँ, ठीक है? अच्छे से कर ना, अच्छे से। अरे यार मैं फोटोज क्लिक करती हूँ आप लोगों की। अब भैया प्लीज करो ना, चल तेरे लिए। अच्छा मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, वो तो दोनों के लिए करो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बाकी कहाँ का प्लान है, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो? हाँ तो था, कहते हैं बाथरूम चलेंगे हम। अच्छा अच्छा, बाकी मैं ना पता है बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई आप लोग इतने खुश हो शादी के दो साल बाद। अभी तो यार लक्ष्मी सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हम दोनों को इतना सपोर्ट किया था। आप इतने अच्छे हो तभी तो मैंने आपको सपोर्ट करा ना। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे भैया बहुत खुश नसीब है कि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली ना। हाँ यार, बाकी एक सरप्राइज हो रहा है। क्या क्या पहले केक कटिंग करें? हाँ केक भी कट कर। अरे कोई नहीं ना यार, भैया चलेंगे ना रेस्टोरेंट को, चल रहे दिन हमारा ही तो है, दिन हमारा है, हम सबका है, ठीक है? बट वहाँ भी लोग वेट कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है यार, जल्दी से केक कट करते हैं। भाभी निकलवाओ मेरे साथ। ओके यार, देखो कितना प्यारा केक है यार, देखना। भैया भी नहीं लाएंगे ऐसा केक, मैं लाई हूँ जैसा। वहाँ चलो तो तुम लोगों को पता चल जाएगा मैंने क्या रही। एक मिनट शांत रहो, एक तो तुम्हारी बहन, ये तो ये इसने यहाँ स्टार्ट कर दिया। एक तो तुम्हारी बहन हम दोनों के लिए इतना कुछ कर रही है और तुम्हें रेस्टोरेंट की पड़ी है। वहाँ मेरा मेन सरप्राइज था ना, ताकि तुझे भाभी केक कट करो। आप चुप रहो, केक कट करवाओ, आओ हैप्पी एनिवर्सरी दोनों को। थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू छोटी, हैप्पी एनिवर्सरी। अभी रेस्टोरेंट का प्लान करते हैं हम लोग, अब बस जल्दी से इसे रैप अप हो गया, अब चले, छोटा सा सरप्राइज हो रहा है, चले। क्या है एक छोटा सा सरप्राइज हो रहा है ना, मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ही बोला था यार, लेट हो रहा है वहाँ, अभी सब वेट कर रहे हैं। पता है वो इससे भी अच्छा है, दोनों ही आप शॉक हो जाओगे, इतना अच्छा सरप्राइज है आपके लिए, तो भैया बहुत स्पेशल रहेगा वो शायद मेरे यार। चलो कोई नहीं यार, वो जो कर रही है हम दोनों के लिए तो कर रही है, इट्स ओके ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कुछ होता आज बन रही होती हमारी नहीं ना, यही चीज जल्दी करो एटलीस्ट, ठीक है? ओके आईज क्लोज करो आप।
मैं आप आइस क्लोज। अच्छा मेरे लिए स्पेशल? आपके लिए स्पेशल है और भैया के लिए तो और भी ज्यादा स्पेशल होगा। आंखें बंद कर, आगे बंद रखना, दिख तो नहीं रहा। अरे नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा, एक साथ बताऊंगी ना मैं, एक साथ बताऊंगी। भाभी समझाओ ना यार, तुम टाइम वेस्ट खुद कर रहे हो। कोई नहीं ना, जो करिए करने दो, चलो करो। रेडी? हाँ। भाभी दिख तो नहीं रहा ना पक्का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा। अरे हाँ लक्ष्मी, किसे बुला रहे हो? कौन है? कौन है ये? कैसे लगा भाभी सरप्राइज? प्रिया जी है? कौन है प्रिया जी? ये कौन है प्रिया? सरप्राइज कैसे लगा? जा कहाँ रही हो? जा कहाँ रही हो? बैठो यहीं, बैठो बैठो। कौन है ये? चल क्या रहा है ये? सब कुछ पता लगेगा भैया आपको, पूछो ना आप। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं बता रहा हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई रुक जा, तुम्हारी बहन की है ना दोस्त हूँ मैं, ठीक है? बट यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, बैठो। भैया मैंने बुलाया उन्हों को। ये मेरी भी बहन जैसी है, टेंशन मत लो। तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन जैसी है। ये जो तुम्हारी बीबी है ना, फ्रॉड है, फ्रॉड फ्रॉड समझते हो? वो है ये मेरी बीवी है। हाँ तेरी फ्रॉड बीवी है, एक साल से ना इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है तुम्हारी बीवी। बीवी है वो मेरी, पूछ ले। वो मेरा सिर्फ कजन है, सच में। कजन? कजन? शर्म नहीं आ रही? कजन के साथ आप रात को किसे देते हो? कजन को रात रात भर बात करते हो? रिलेशन में हो गया कजन? चेक्स पड़ी है मैंने दोनों। भाई कजन के साथ ना तुम एक महीने बाद शादी करने वाली थी भाई। फोटो दिखा दिया। एक महीने बाद शादी? फोटो नहीं आ रही है, सब झूठ बोल रहा है। ये हमारी, वहां दिखाओ, ये उसको पति को दिखा। ये हमारी फोटो कहां से आ गई? ये कहां से आ गई फोटो? ये मैंने आपसे शादी कराई थी। कहां से आ गई ये फोटो? क्या ये? ये तो कजन है ना? क्या है ये? भागना मत, भागने की कोशिश करना मत। बैठो इधर, बैठ इधर। केक खा रही थी ना, अभी फिर से केक खिलाऊंगा, टेंशन मत ले। बैठ, चुपचाप यहाँ पे बैठ जा। आप बता क्या है? क्या ये भाई? तू बैठ, कब से चल रहा है ये सब? बैठ। वो नहीं होती, एक मिनट भाई पूछने दे, बताएगी कौन है ये? बोलो ना, जबान काम नहीं तुम्हारी। भैया मैं बहुत, मैंने इनकी चैट्स बहुत। तो तूने क्यों बुलाया उसे? अगर तुझे पता था तो मेरे से डिस्कस कर सकती थी ना। डिस्कस क्या करूं मैं? मेरे भाई को धोखा दे रहे हो आपको, शोर थोड़ी शर्म। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो हमारा घर खराब कर रही हो। घर खराब तो आप कर चुके ना, यहाँ मुँह काला करवा के। तो ये बात तुम्हारी से बात कर सकती थी, सोचना चाहिए था ना। मैंने आपकी शादी करवाई थी अच्छा समझ के, मुझे पता था ना ऐसा करेक्टर लेस हो आप। तो मैं कभी अपने भाई से ये बात कर सकती थी ना। चुपचाप रहो, ठीक है? एकदम मुंह बंद करके रहो, एकदम मुंह बंद। आप क्यों बोल रहे हो हमारे बीच? एकदम शांत। आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? बहुत गलत किया भाई, फोन पकड़ के। आप बोल क्यों रहे हो हमारे बीच में? आप हो कौन? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। तुम उसका जो जिंदगी खराब की, ये मायने रखता है तू। आप हमारे फैमिली मैटर में बोल ही क्यों रहे हो? फैमिली मैटर नहीं है ना वो, फैमिली का है क्या हमारी? क्या चल रहा है मेरे बीच में? एक साल से सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ दिन रात, और ये एक साल से तुम मेरे बीच में क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ उसका हाथ, क्या छोड़? तुमने मुझे कजन बना दिया आज, हैं? एक साल से तुम मेरे साथ रिलेशन में हो। मत करो, एटलीस्ट तुम, एक साल से तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, तुमने आज मुझे कजन बना दिया। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? मेरा भाई की क्या हालत कर दी? जाओ इस थप्पड़। क्या क्या हालत कर दी मेरे भाई की आपने? तेरी जैसी लड़की का साथ देके ना सबसे बड़ी गलती करी मैंने। भैया प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ भैया। प्लीज जो हो गया सो हो गया ना। रहना अभी इसके साथ, सुनो मुझे नहीं रहना अभी इसके साथ एक मिनट भी। मैं तो जा रहा हूँ अभी, बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी। बहुत अच्छा, बहुत गुड डिसीजन मेरे भाई, गुड डिसीजन। ये छोड़ के यार प्लीज ना, ये फूल छोड़, फूल छोड़, छोड़ फूल, छोड़ छोड़ इसको, जल्दी छोड़। लायक नहीं हो मेरे भाई के तुम। पकड़ो भाई, पकड़ो अब भाई, तुम्हें क्या करना है? भैया प्लीज चुप हो जाओ भैया, प्लीज साहब डिसीजन ले ले। कहाँ छोड़, हाँ छोड़ के बात कर, क्या डिसीजन लेना मेरे भाई? प्लीज यार मुझे माफ कर दो, डिवोर्स लेना है। तुमने इसके चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में फैमिली को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा। खड़ी हो जा तू, पहले तू खड़ी हो जा, सामने देख। तुझे डिवोर्स लेने के लिए ना बहुत अच्छा सबूत है हमारे पास, दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिखना चाहिए यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? ये पहले करने से पहले सोचा एक बार भी? दो दो लड़कों के साथ खेल रहे थे आप, दो दो लड़कों की फीलिंग को हट कर देते आप। ये आपकी फोन है? अगर वो नहीं आती तो मेरे को आज ये पता नहीं चलता, एक साल का ये कब तक चलता रहता यार। प्लीज जो हुआ सब भूल जाओ ना। दो साल में ये है तेरे रंग, तेरे लिए मतलब मैंने फैमिली से कितनी लड़ाई नहीं करी। भैया ये है ही नहीं उस लायक की, इसको ढंग से रखे। ये लड़की को अच्छे से देखो, अभी एक तुरंत अभी एक बॉयफ्रेंड छोड़ कर गया और एक पति परेशान है। तुम बताओ क्या करना चाहिए लक्ष्मी?
ये हमारे साथ प्लीज लक्ष्मी, चीट कर सकता है ना वो, दोबारा भी कर सकता है। मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैंने इनकी इतनी सपोर्ट ली, हर चीज में इनका साथ दिया। यार लक्ष्मी प्लीज, तुमने तो पहले बॉयज भी फ्रेंड थे, ये बात के आंसू देखो ना, तुमने पहले भी हमारा साथ दिया था ना, इस बार और दे दो। आप मेरे भाई ये करता, आप साथ देते? मैं साथ नहीं दे सकती ना, वो सच थी, सही। मेरा भाई किसी और के साथ रिलेशन में आता, उसके साथ उल्टे सीधे कर्म करता, आप साथ देते फिर रहते मेरे भाई के साथ? आप प्लीज एक बार आप रहते, एक बार और मौका दे दो, आप मुझे बताओ ना, आप रहते सिर्फ एक बार, भाई को संभालो और ले जाओ प्लीज, मत करो, दूर रहो प्लीज। तुम यहाँ बैठ, बैठ यहाँ, तुमने जो किया है ना तुम्हारे को मिलेगा, शर्म में आनी चाहिए तुम्हें, पहले सोचना चाहिए था तुमने क्या किया है, ठीक है? प्लीज मैं माफी मांग रही हूँ, मेरा घर बचा लो प्लीज। जब तुम्हें बचाना चाहिए था तुमने तो क्या किया, डेट किया दो दो तीन तीन लोगों को। मैं आगे तो नहीं करूँगी प्लीज यार, नहीं।